नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल INS Amazing Fact में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 अप्रैल को हुए शोर धमाके के बारे में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल INS Amazing Fact को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सूरज पर हलचल बढ़ने की वजह से धरती से बुधवार को एक सोलर तूफान टकरा सकता है। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेस वेदर प्रिडिक्शन सेंटर की तरफ से यह भविष्यवाणी की गई है कि नोआ ने ट्वीट पर कहा है कि 3 मार्च को करीब 25 डिग्री लंबी सूरज की लपट से तूफान उठा था। इसके कारण जियो मैग्नेटिक तूफान 6 अप्रैल को देर रात धरती से टकराएगा। यह तूफान करीब 7 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि धरती की तरफ बढ़ रहा जियो मैग्नेटिक तूफान कमजोर है। इस तूफान को जीवन श्रेणी में रखा गया है। जियो मैग्नेटिक तूफानों को जीवन से G5 तक की श्रेणियों में रखा जाता है, जिसमें G5 सबसे ताकतवर होता है। सुबह की पहली किरण ऊंचाई पर शिफ्ट करने के अलावे यह तूफान इलेक्ट्रिक सिस्टम, पावर ग्रिड्स और पावर प्लांट्स नेविगेशन सिस्टम पर भी प्रभाव डाल सकता है। सूरज से एक और लपट 4 मार्च को उठी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका धरती पर कोई प्रभाव